स्थानीय लोक कथा के अनुसार मुगल सम्राट शाहजहां ने ताज महल की निर्माण अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। आदर्श उद्देश्य यह था कि इस स्मारक की सुंदरता को कभी दोहराया नहीं जा सके। इसे पूरा करने के लिए उन्होंने कहा था कि ताज महल के निर्माण में लगे शिल्पकारों और कारीगरों के हाथ काट दिए जाएंगे, जिससे उन्हें कभी भी इतनी शानदार चीज बनाने की संभावना नहीं रहेगी। हालांकि इस नाटकीय कथा को साबित करने के लिए बहुत कम ऐतिहासिक सबूत हैं। यह आमतौर पर एक तथ्य रिकॉर्ड की बजाय पीढ़ियों के बीच से उतारा गया मिथक या किस्सा माना जाता है। ताज महल के निर्माण की सच्ची कहानी में कई शिल्पकार, वास्तुकार और मजदूरों की समर्पित मेहनत शामिल थी, जो इस वास्तुकला के श्रेष्ठतम उदाहरण को बनाने के लिए दो दशकों से अधिक समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। ताज महल के रंगों में बदलाव की धारणा बहुत फैली हुई है। कहा जाता है कि स्मारक सुबह में गुलाबी रंग का दिखता है, दिन में दूधिया सफेद, चांदनी में सोने की तरह और रात में चमकदार चांदी जैसा दिखता है। हालांकि स्मारक वास्तविकता में विभिन्न रंगों में दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की स्थितियों में परिवर्तन होता है, लेकिन ड्रामेटिक रंगों के परिवर्तन की धारणा थोड़ी अधिक ज्यादा हो सकती है। सूर्य की स्थिति, प्रकाश की गुणवत्ता, वायुमंडलीय शर्तें और दिन का समय इन दृष्टिगत रंगों में विचारित विविधताओं में भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा दिन के विभिन्न चरण और पास के यमुना नदी से प्रतिबिंबित होने वाली छायाएं संगमरमर की दिखाई देने में परिवर्तन कर सकती हैं, जिससे एक आकर्षक दृश्य प्रदर्शित होता है। ताजमहल वास्तव में विभिन्न प्रकार की रोशनी में हल्के परिवर्तनों का अनुभव कराता है, लेकिन जो रंगों के ड्रामेटिक परिवर्तन लोकप्रिय धारणाओं में दिखाए जाते हैं, वे शायद ओवरस्टेटेड हो सकते हैं। स्मारक की खासियत इसमें है कि यह दर्शकों को अपने बदलते रंगों और चमक से मोहित करने की क्षमता रखता है, जिससे इसकी रहस्यमयता और आकर्षण में चार चांद लग जाते हैं। यह किस्सा ताज महल की लुभावनी आभा में और भी जादुई महक डालता है, जो यात्रीगण को आकर्षित करता है, जो इसकी मोहक सुंदरता को अलग अलग समयों पर देखने और उसके अद्भुत संगमरमरी ढलान पर प्रकाश के मोहक खेल का अनुभव करना चाहते हैं। ताज महल का शाप एक रोचक स्थानीय किस्सा है, जो दर्शाता है कि जो लोग ताज महल की सुंदरता को नकल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें दुर्भाग्य या दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। यह विश्वास स्मारक की रहस्यमयता को और भी बढ़ाता है, जो इसकी असाधारण और भव्य प्रकृति को जोरदार तरीके से दर्शाता है। इस कथा के अनुसार ताज महल प्यार की अनोखी अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो मुमताज महल की याद में शाहजहां द्वारा बनाया गया था। मुमताज के लिए शोक करते हुए शाहजहां ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक असाधारण स्मारक बनाने का लक्ष्य रखा था। यह कथा इस बात को समझाने के लिए विकसित हुई हो सकती है कि ताज महल की सुंदरता को नकल करने के प्रयासों के बावजूद समान वास्तुकला की वजह से कोई अन्य आश्चर्यजनक स्मारक क्यों नहीं उभरे हैं। इस बात का ध्यान दिया जाए कि यह एक अंधविश्वास है और इसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ताज महल की विशेषता कई कारणों से आती है, जैसे कि इसका ऐतिहासिक महत्व, वास्तुकला की शानदारता और भावनात्मक संदर्भ कलंकित शाप की बजाय। जबकि शाप ताज महल की कहानी में एक रहस्यमय तत्व जोड़ता है, लेकिन यह किस्सा वास्तविक तथ्यों की बजाय किस्सा है। हालांकि यह ताज महल के प्रभाव और आकर्षण में योगदान करता है, इसके इतिहास और वास्तुकला में अद्वितीय महत्व को जोरदार तरीके से दर्शाते हुए। एक कथा बताती है कि शाहजहां ने यमुना नदी के उस पार ताज महल के विपरीत अपने अंतिम संस्कार के लिए काले संगमरमर का समाधि स्थल बनाने का इरादा रखा था। हालांकि इस दावे को समर्थन करने वाले बहुत कम ऐतिहासिक सबूत हैं और इसे व्यापक रूप से एक कल्पना या अवास्तविक योजना के रूप में मानी जाती है। काले ताज महल की धारणा ताज महल के निर्माण से जुड़ी एक रोचक लेकिन पुष्टि नहीं हुई कहानी है। इस किस्से के अनुसार
शाहजहां ने एक काले संगमरमर का समाधि निर्माण करने की योजना की थी, जो सफेद ताज महल की छायांकन करता है। काले ताज महल के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत कम हैं, जिसके कारण अधिकांश विशेषज्ञ इस कहानी को एक लोक कथा मानते हैं, न कि एक तथ्यात्मक विवरण। किसी भी प्रमुख वास्तुकला योजना या रिकॉर्ड ने शाहजहां की दूसरे समाधि बनाने की इच्छा की पुष्टि नहीं की है। ताज महल की सुंदरता, सम्मिति और भावनात्मक महत्व ने विश्व भर के लोगों को मोहित किया है। हालांकि कथाएं और लोक कथाएं इसके इतिहास में रोचक परत जोड़ती हैं, लेकिन प्यार, दुलख और वास्तुकला की शानदारता की सच्ची कहानी इसके मूल में निहित है। ये कहानियां स्मारक की आकर्षण बढ़ाती हैं, जो विश्व भर के आगंतुकों और प्रशंसकों को आकर्षित करती हैं। हालांकि समय के साथ ऐतिहासिक तथ्यों और सजावटों के बीच भेद करना महत्वपूर्ण है।